हेलो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं फेंग का इंडिकेटर D60 की कैलिब्रेशन। लेकिन कैलिब्रेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को ये कहता चलूं कि अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए रेड बटन के ऊपर लाजमी क्लिक करें और साथ साथ बेल आइकन के ऊपर भी लाजमी क्लिक करें। उससे क्या होगा कि मैं जो भी न्यू वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को फ़ौरन मिल जाएगा। तो चलें दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब इंडिकेटर अपनी असल पोजीशन यानी 0-0 पोजीशन के ऊपर होगा तो हमें क्या करना है, सेट के बटन को प्रेस करते हुए ऑन ऑफ के बटन को प्रेस करना है। जैसे ही हम सेट के बटन को प्रेस करते हुए ऑन ऑफ के बटन को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर C01 आ जाएगा। जब C01 आ जाएगा तो हमने 0 के बटन से, 0 के ऊपर जो तीर का बटन जो ऊपर की साइड पर आ रहा है, इससे हमने वैल्यू को बढ़ाना है। 0 के बटन को प्रेस करते हुए C05 के ऊपर आ जाएगा। C05 जो है ये इसकी 0 कैलिब्रेशन है। अब हमने C05 के ऊपर आते हुए सेट के बटन को प्रेस करना है, यानी C05 के अंदर दाखिल हो जाएंगे हम। उसके बाद यहाँ पर हमने जो 0 आएगा इसको हमने 1 कर देना है। ये 0 के बटन से यहाँ पर 1 होगा। जब ये 1 हो जाएगा तो हमने सेट के बटन से दोबारा एंटर करना है। ये यहाँ पर उल्टी गिनती चलना स्टार्ट हो जाएगी और ये गिनती स्टार्ट होने के बाद इसकी 0 कैलिब्रेशन कंप्लीट हो जाएगी। जब इसकी 0 कैलिब्रेशन कंप्लीट हो जाएगी तो हमने सेट के बटन को दोबारा प्रेस करना है। जब 0 का बटन, सेट का बटन हम प्रेस करेंगे तो यहाँ पर C06 लिखा हुआ आ जाएगा। C06 में इसकी स्पैन कैलिब्रेशन होती है, तो C06 में हम एंटर हो जाते हैं। सेट के बटन से हम दोबारा एंटर होंगे और यहाँ पर C0 आगे C6 आगे 0 लिखा हुआ आएगा। जब यहाँ पे 0 को हमने यहाँ पर 1 कर देना है, 0 के बटन से ही 1 होगा और हमने एंटर हो जाना है। सेट के बटन दबाते हुए हमने एंटर होना है और यहाँ पर इसकी टोटल कैपेसिटी और स्पैन वेट लिखा हुआ आएगा। उसके बाद होल्ड के मदद से हमने दोबारा पॉइंट से पहले वाले 0 के ऊपर आ जाना है। उसके बाद हमने 0 की मदद से, जो कि वैल्यू उसके ऊपर तीर का निशान भी बना हुआ है अप साइड पे, वहाँ पर हमने वैल्यू को इंक्रीज करनी है। वैल्यू को हमने इंक्रीज करके 5 यहाँ पर लिख देंगे। तो 5 kg हमने लिख दिया यहाँ पर और साथ साथ हमने डेड वेट को भी प्लेटफॉर्म के ऊपर रख देना है। जब हम प्लेटफॉर्म के ऊपर डेड वेट को रख देंगे उसके बाद हमने दोबारा एंटर का बटन प्रेस करना है, जो कि यहाँ पर सेट लिखा हुआ है और नीचे एंटर का सिंबल है। जब हम वो प्रेस करेंगे तो गिनती ऊपर से नीचे की तरफ दोबारा चलना शुरू हो जाएगी। यहाँ पे लिखा हुआ आ गया कॉल एंड। जब कॉल एंड लिखा हुआ आ जाएगा तो हमने एक दफ़ा ऑन ऑफ के बटन को प्रेस करना है। जब हम ऑन ऑफ के बटन को प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि कैलिब्रेशन इसकी कंप्लीट हो गई है। तो दोस्तों, अगर इस वीडियो से रिलेटेड आप लोगों के पास कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स करके हमारे से पूछ सकते हैं। अगर वीडियो से आपको थोड़ा सा भी नॉलेज हासिल हुआ हो तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें। उसके अलावा अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब लाजमी कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।